जयमन जी गल की जाए अज स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत हो जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे। की लगता है कि इस जो उपराला पंजाब सरकार दे वलों कीता जा रहा स्कूल ऑफ एमिनेंस जिहड़ा बनाया जा रहा 117 स्कूलों के बच्चों को सहूलत दित्तियां जाणगियां, की लगता पूरे मामले ते बच्चों की सिक्ख्या प्रणाली सुधरेगी, किस तरह का रहेगा इसका असर, किस तरह रहेगा पूरा सारा कार्यक्रम, किवें देखदे हो इस पूरे मामले नूं? दसना चाहवा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस ये पहला है जिसका उद्घाटन किया जाएगा और 117 हल्कों के हर हल्के एक स्कूल ऑफ एमिनेंस फुल लेस्ड जो टेक्नोलॉजी के नाल उसनू बनाया जाएगा। 4000 पर जो कि स्टूडेंट नू वर्दी लिए पैसा दिता जाएगा। स्कूल के लिए बसिस जी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट होनगियां। हर तरीके की लैब जी कि इतने चाहे रोबोटिक लैब की गल की जाए, चाहे साइंस के नाल रिलेटिड लैब की गल की जाए, यानी कि जो असं प्राइवेट स्कूलों के वड्डिया वड्डिया फीसा देखे अक्सर आप स्कूलों के जाते सके या वो फैसिलिटीज़ होंगे सी, वो फैसिलिटीज़ हूँ मान सरकार वालों इस स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत हर जी हल्के हर विधानसभा क्षेत्र दी जाएगी। एक तस्वीर थोड़ा अंदर जाके दिखाना चाहवागे कि किस तरीके के स्कूल ऑफ एमिनेंस जेडे की है मान सरकार वालों जो बनाए गए हैं। इतने लैब है जी बनाई गई है जो कि स्कूल ऑफ एमिनेंस है, सरकारी स्कूल है, स्कूल ऑफ एमिनेंस है। इतने कुछ टीचर्स भी मौजूद है, आप उन्होंने भी गलबात कर दिया। मैम जी कि लैब की शुरुआत अज स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की जा रही है, कि लैब रखी गई है और किस तरीके लैब है? फिजिक्स लैब है और बहुत सोहनी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सानू मिलिया। तुम मान नहीं सकोगे कि हाल से इस लैब का और कितनी खूबसूरत सानू फर्नीचर मिले। यू कैन हैव अ लुक एट दैट, साडे स्टूल साडा फर्नीचर एक एक चीज़ बहुत अच्छी सानू प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने। आमतौर के उपर आप ये चीज़ा प्राइवेट स्कूलों के देखते सी, शिक्षा बूस्ट भी इन्नी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो साडे कोल है। क्या स्कूल चो आए हैं, प्राइवेट स्कूल च भी इन्ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इतने हैगा। सो जो ये बदलाव शिक्षा के आया, तुम भी टीचर रहे हो, प्राइवेट स्कूल है, हम सरकारी स्कूलों के होंगे, किवें दा शिक्षा प्रणाली के बदलाव आया मान सरकार आने के बाद? मान सरकार आने तो बाद मैम मैं बिल्कुल कहांगी बच्चों का रुझान सरकारी स्कूल तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा, बहुत साढ़े को एडमिशन लिए सिफारिशा आ रही हैं। बच्चे चाहते हैं कि सानू इतने सीट मिले, बच्चे जो एमिनेंस स्कूल वाला टेस्ट है वो क्लीयर करना चाहते हैं, वो बाद तो बाद एनरोलमेंट आ रही है। बच्चे पेरेंट्स जो है हूँ तो ही पूछ रहे हैं कि अगले साल बच्चे नू किस तरह एडमिशन मिलेगी। मैम क्या प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, थोड़ा दर्शक को भी जानना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट बच्चा क्वालिफाई करे, सीट उसकी है। बिल्कुल मैम, वो चाहे कोई भी क्लास है, सब क्लासेस के लिए? नहीं मैम नहीं, जो एमिनेंस स्कूल ने स्टार्ट किया है वो 9th से स्टार्ट किया है, 9th और 11th से स्टार्ट किया अभी तक। क्लास के बच्चे उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए अभी मैम अंडर प्रोसेस है चीज़ें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी इतने मौजूद है, आपसे बेटा जानना चाहेंगे जो एक बदलाव हूँ देखने को मिले, तुम भी विद्यार्थी हो स्कूलों च पढ़ते हो, किवें दा तुहानू चंगा लग रहा है जो बदलाव सरकार वालों? बहुत वधिया लग रहा है कि एक फील आ रही है कि आप एक प्राइवेट स्कूल तो भी उतले स्कूल से आ रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास स्कूल, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गया है, टॉप द स्कूल है, उत्थे मैं पढ़ रहा हूँ। जो फिजिक्स लैब के आओगे आमतौर के उपर, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बड़ी जरूरी होंगी है जो भी आप शिक्षा देते हैं, सो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज तुम इतने लोगे भी इस तरीके की लैब के लगता है कि हूँ असल च मज़ा आएगा? हाँ जी श्योर मैम, देखो नेहा मैम ने, नेहा मैम तो साहिब दयाल सर मैंने हेल्प कर देने हैं काफ़ी। येस मैम, एक्चुअली दिस इज अ पीजो इलेक्ट्रिक शूज विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वैन वी वॉक, सो बेसिकली दिस पीजो इलेक्ट्रिक इंसान चलता है तो प्रेशर पैंता और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एटलीस्ट इन्नी कि मोबाइल फोन चार्ज हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस तरीके के नाल इतने लैब्स जड़े बनाए गए, तुसी तस्वीर लाइव देख रहे हो कि किस तरीके के नाल ये लैब्स नू जड़ा पूरा बनाया गया है। और एक जड़ी वड्डी गल है कि सरकार वालों हुन स्कूल ऑफ एमिनेंस दे विच फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस भी जड़ी है वो बच्चों नू दित्तियां जाणगियां। वो तस्वीर मैं थोनों स्कूल बसेस दी भी जरूर दिखाना चाहवांगी, तुसी देख सकते हो कि किस तरीके के नाल स्कूल ऑफ बसेस भी जड़ी की है। और पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जिसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल ते सीएम मान जड़े अज करनगे, तकरीबन 1 बजे का समा है जिहड़ा उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन इस स्कूल के खासियत यह रहेगी कि हर तरीके की टेक्नोलॉजी तो लैस, हर तरीके की लैब होएगी, बच्चों अगर पढ़ाई की गल की जाए तो वह भी जी, और इन्होंने क्राइटीरिया सैट किया है 9th स्टैंडर्ड तो लैके 11th स्टैंडर्ड तक का, जिदे एक प्रोसैस होएगा कि थोड़ा एग्जाम जोड़ा है वह क्लीयर करना पेगा उस तो बाद होएगा। और 117 हल्के हर हल्के एक खोला जाएगा। एक तस्वीर है पंजाबी कल्चर रूम भी जो स्पैशल बनाया गया जो पंजाबी विरसे दर्शाएगा कि किस तरीके जो कि इतने पंजाब देख सकते हो कि पंजाबी, क्योंकि
कल्चर दे नाल और ऐसे कल्चर दे नाल रिलेटेड हर चीज़ इत्थे रखी गई है। पुरानी है पक्षियां दी गल कीती जावे, फुलकारी दी गल कीती जावे, पुराने समय दे विच जिहड़े कि पुरानियां जो चीज़ां हुंदियां सीगियां ओह इत्थे पूरियां विरसे नाल दर्शांदियां ने। इत्थे एक मैडम भी मौजूद है उन्हां नाल भी। मैम, ये जिहड़ा इत्थे लैब बनाया गया है, कल्चर रूम बनाया गया, बेसिकली इत्थे की जानकारी जिहड़ी बच्चों नूं दित्तियां? इत्थे बच्चियां नूं सारा पंजाबी सभ्याचार उहदे नाल जोड़िया जांदा है भई किवें साडे पुराने जिहड़े आ उह रहिंदे सहिंदे सी, किहड़ियां उह चीज़ां वरदे सी, किहड़े औखे हालातां दे विच किस तरह उह खाणा बणाउंदे सी। इह पुरातन साडी जिवें दुध रिड़कण वाली आ, किवें असीं पशू पंछियां खेती नाल जुड़े होए सी, ते पुरातन साडे रीति रिवाज विआह शादियां किवें हुंदे सी, उहदे विच किहो जिहे गहिणे पाए जांदे सी, बर्तन असीं किवें दे। तो कोई पीरियड रख्या गया बच्चों के लिए, कोई अलग तो चीज़ा जिहड़ी दसियां जाणगियां बच्चों नूं, किस तरीके का पूरा सैट कीता गया? ये स्पैशल पंजाबी मतलब लैब समझ लो, प्रयोगशाला समझ लो, मतलब पंजाबी लैब बनाई गई है जिहदा मकसद यही है कि बच्चे, क्योंकि असी साडे अजकल दे बच्चे जिहड़े पंजाबी सभ्याचार नूं भुलदे जा रहे आ, असी खुद भी कुछ दूर होंदे जा रहे हैं, तो साडा ये छोटा जिहा उपराला है, सरकार दा ये उपराला है कि बच्चों अपने कल्चर नाल अपनी भाषा नाल अपनी बोली नाल जोड़ के रखा जाए, ता कि वह जे वह कुछ ग्रहण करनगे तो अगे वो भेजनगे, तो जे असी उन्होंने नहीं सिखावांगे चीज़ा नहीं दसांगे तो फिर हौली हौली अलोप होंदिया जाणगियां, हौली हौली अलोप होंदिया जाणगियां। साफ तौर पर क्या हो कि इत्थे कैबिनेट मिनिस्टर जो हरजोत बैंस, जो सिक्ख्या मंत्री वह भी इत्थे मौजूद है, प्रॉपर वो जायजा जिहड़ा इत्थे ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके दे नाल स्कूल ऑफ एमिनेंस जिसका अज उद्घाटन सीएम मान ते अरविंद केजरीवाल करनगे, और जिस तरीके दे नाल पूरी तैयारी जिहड़ी है इत्थे कर लिती गई है, और थोड़ी ही देर दे विच अरविंद केजरीवाल और सीएम मान आन के इसका उद्घाटन करनगे। सो तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाईआं, वख-वख लैब्स जिहड़ियां इत्थे बनाईआं गईआं है, चाहे फिजिक्स लैब्स है, कल्चर लैब है, इस तरीके दे नाल कई रूम्स और कई लैब्स इत्थे जिहड़े बच्चों की फैसिलिटी दे लई बनाईआं गईआं है, और बसिस भी जिहड़ी इत्थे रखी गईआं है, और काफ़ी वड्डा जिहड़ा स्कूल बनाया गया है, क्राइटीरिया भी जिहड़ा है एडमिशन का पूरा सैट कर लिता गया है इत्थे। जी जी अमन, गल की जाए इस पूरे मामले की, तो बच्चों की सिक्ख्या उचेरी करन दे लई, सिक्ख्या का पद्धर उच्चा करन दे लई मान सरकार लगातार उपराले कर रही है, हैडमास्टर्स नू ट्रेनिंग दे लई भेज रही है, प्रिंसीपल्स नू ट्रेनिंग दे लई भेज रही है, हुण स्कूल ऑफ एमिनेंस का जिहड़ा उपराला किया जा रहा, बच्चों का जो रुझान है, मापियां का जो रुझान है वह भी कहा जा रहा कि वध रहा सरकारी स्कूलों के वल, पर जे कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस ये हो छोटे बच्चों के लिए भी जरा शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों बेसिक नॉलेज बेस जोड़ा बच्चों का उतों बनता है, तो पंजाब सरकार इस वाल भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जे बच्चों की सिक्ख्या वधिया बनाना, म्यार उच्चा चकना है, तो छोटे बच्चों तो यह उपराला जोड़ा जरूर करना पवेगा। पर यह सवाल जोड़ा तो जरूर करना चाहेंगे कि बच्चों की मानसिकता तो इसका कि असर पवेगा, क्योंकि बच्चे जेडे उन्होंने मटैलिटी जी कि पढ़ के विदेश जाना है, तो उन्होंने लगता है कि सरकारी स्कूलों के इंग्लिश वधिया नहीं सिखाई जाती, क्योंकि बच्चों के माइंड सैट इस तरीके दे नाल बन चुके हैं, की लगता है कि बच्चों के माइंड से इसका कितना असर पवेगा कि बच्चे जेडे इस पास आएंगे सरकारी स्कूलों के वल? समय जाहिर है, क्योंकि जदों भी अपनी शिक्षा दे विच एक बदलाव आता है, एक पद्धर आम तौर के उपर जदों भी आप सरकारी स्कूलों की गल करते तो बच्चों को यह लगता कि स्कूल जाएंगे पढ़ के आ जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों वाल अपना ज़्यादा, लेकिन हुण उही चीज़ा अगर सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी जाहिर है उनका पद्धर भी ऊंचा होगा। जिवें मैं थोड़ा एक फिजिक्स की टीचर सी जी इतने और यह पंजाबी कल्चर की टीचर से, उन्होंने भी दसिया कि बच्चों का जो रुझान है हुण इस वल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि असीं सरकारी स्कूलों में जा, क्योंकि देखिए फीस भी घट होंदी है, कोई चीज़ भी नहीं होंदी, तो जाहिर है कि चीज़ा होंदिया है। हरजोत बैंस इत्थे मौजूद है सिमी, आप कोशिश करांगे कि हरजोत बैंस नू लाइव जिहड़े अपने दर्शकों नू सुनाइए कि आखिर उन्हां दा इस पूरे मामले दे उपर क्या कहना है, क्योंकि जाहिर कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब दे और शिक्षा दे लई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिहड़े एफर्ट्स किए ने ओह उन्हां वल्लों किए जा रहे हैं, हालांकि सीएम मान लगातार जिहड़ी इंस्ट्रक्शनस भी कर रहे हैं, चीज़ा भी कर रहे हैं, सो लगातार, लेकिन हुण ओह पहला इत्थे पहुँच चुके हैं, जायजा जिहड़ा उन्हां वल्लों पूरे इत्थे लिता जा रहा है, और तुसीं तस्वीरां देख रहे हो कि किस तरीके नाल किन्ना वड्डा ग्राउंड है, पूरे जिवें प्राइवेट स्कूलों दे विच आम तौर दे उपर हुंदा सी उस तरीके दा ग्राउंड इत्थे तैयार किया गया है, और क्लासेस जिहड़े रूम है प्रॉपर जिहड़े कि फैसिलिटी दे नाल बनाए गए हैं, और हर तरीके के डैक्स की चाहे गल की जाए चाहे तमाम। हरजोत इस वेल साडे नाल मौजूद है, हरजोत जी तुहाडे कोल जानना चाहवांगे, लाइव तुहानू दर्शक सुन रहे हैं, किस तरीके की जिहड़ी पूरी तैयारी की गई है स्कूल ऑफ एमिनेंस, अज तो पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जिहड़ा कि अज लोकां नूं? हाँ जी, तुसीं खुद देख सकते हो, तुहाडा कैमरा देख सकदा कि किवें इह स्कूल है जिहड़ा, जिवें साडे मुख्यमंत्री साहब श्री भगवंत मान जी ने अते साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया सी कि
पंजाब च इदां दे सरकारी स्कूल बनावांगे जिन्हां दा जिहड़े प्राइवेट दे बराबर बल्कि उस तो वधिया होणगे। तुसीं अपना देख सकते हो अज्ज इह स्कूल किसी भी क्लासरूम च जाके तुसीं देख सकते हो, किसी बच्चे नाल गल करो किसी टीचर नाल गल करो। टीचर्स ना फिजिक्स दे टीचर नाल पंजाबी कल्चर दी टीचर नाल गल कीती, उह बोलदे कि बच्चों का रश है जिहड़ा आना शुरू हो चुका है, असीं क्राइटेरिया भी सैट कीता है उस दे तहत बच्चे बहुत जल्दी। मैं आप जी नूं हमेशा कहा सी कि उस दिन असीं कामयाब समझांगे जदों लीडरां दी जर्नलिस्टां दी सिफारिश आण लग जावे। तुसीं स्कूल च ये हो चुके जिन्हें भी जर्नलिस्ट लोकल आते हैं, मैंने जो टीचर्स दसिया बहुत सारे जर्नलिस्ट अपने बच्चों की एडमिशन इतने करा चुके हैं, टॉप के प्राइवेट स्कूल छड़ के पॉलिटिशियंस आ चुके, ऑफिसर्स आ चुके, यही बदलाव है। लगता है कि कल्चर बदलेगा, जिवें पहले कहा जाते थे कि सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल च पाता, लेकिन हूँ लगता है कि यह जिहड़ी एक रीत चली आ रही थी हूँ टुटेगी, हूँ मान सरकार इस चीज़ में कामयाब होगी, आने वाले समय से हर सरकारी स्कूल का जिहड़ा टीचर होगा उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल। बहुत सारे टीचर्स ने अपने बच्चों एडमिशन कराई है तो जिवें दिल्ली चुनी कर दिखाया, दिल्ली च कर दिखाया इको बेंच उत्ते रिक्शे वाले का बच्चा, विधायक का बच्चा, तो डीसी का बच्चा बैठता है। ये सीन थानू पंजाब च भी दिखावांगे। आमतौर के उपर स्कूल बसेस दे विच जिवें फ्री ऑफ कॉस्ट दित्तियां गईयां है, आपां प्राइवेट स्कूलों दे विच ये चीज़ां अक्सर देखते से, लेकिन हुण वी चीज़ां कीतियां गईयां और 4,000 एक बच्चे नूं देण दी वी गल सरकार 4,000 रुपये यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी दे चुकी हैं, इन्हां नूं ट्रांसफर हो चुके है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी शुरू हो रही है, तो सब देख सकते हैं। 117 हल्कियां दे विच टोटल हर इहदे च एक विधायक बनाया जाएगा, की लगता है आने वाले समय दे विच अगर डिमांड वधदी है ते जिहड़े बाकी स्कूलों नूं भी इस तरीके दे नाल थानू देखो अज हर पंजाब दे हर स्कूल कुछ ना कुछ मिल रहा। अज सिक्ख्या क्रांति जानी पंजाब हुण तक हरी क्रांति सफेद क्रांति लई जाणिया जांदा सी, अज तों बाद पंजाब सिक्ख्या क्रांति लई भी जाणिया जाऊगा। पहला जिहड़ा टाटा टी जिवें पहला आपां बैंचेस नहीं हुंदे सी टुटे हुए तमाम चीज़ां, हुण पंजाब दी नुहार पूरी बदले। बिल्कुल जी, कोई भी स्कूल असीं अगले 3-4 महीने च इंश्योर करांगे कि कोई भी स्कूल जिहड़ा है ओह इदां दा ना होवे जिथे बच्चे जमीन ते बैठन। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਅਮਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੰਮੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮੈਮ? +1 ਹੈ। +1 ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਯੈਸ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਮੈਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, NCC ਹੈਗੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਮੈਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮੈਮ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ।
तो बहुत चेंजेस आए हैं प्रोजेक्टर के जरिए, जरा कि बच्चों को जानकारी जी है इतने दी जा रही है प्रोजेक्टर के जरिए, उन्होंने ज्योग्राफी की स्टडी कराई जा रही है, समझाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके दे नाल उन्होंने पढ़ाया। जरूर तुम एक गल जरूर कहना चाहवा कि बच्चों नाल एक गल जरूर करो कि जेड़ा पहला उन्होंने सुपना होंदा सी कि पढ़ के उन्होंने विदेश जाना है, आईलेट्स करके उन्होंने विदेश दे विच स्टडी करन जाना है, स्टडी वीजा लेना है, कि हुण बच्चों की सोच जी बदल रही है। जरूर बच्चे ये सवाल जरूर करो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साढ़े पंजाब के नौजवान बच्चे जेडे आ नौवीं दसवीं तो बाद बारहवीं ट्वेल्व करके जेडे आ उस तो बाद बारहवीं क्लास के पेपर दे के उस तो बाद आईलेट्स की तैयारी कर देंगे ने, विदेशों के जाने का रुख करते हैं। हाँ जाहिर है सिमी, यही सोच बदलन दी मान सरकार वालों लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि चीज़ों के एक बदलाव आवे, जो बच्चे अक्सर बाहर जाने की गल जी आखते से बच्चे हूँ इतने रही इतने पहले तो एक मैडम ना आप जरूर गलबात करेंगे उन्होंने को समझेंगे कि आखिर मैम मैम आम तौर के उपर इस तरीके की पिक्चर असं प्राइवेट स्कूलों देखते सी, हूँ पंजाब के सरकारी स्कूल स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो उद्घाटन है किया जा रहा है, जो एक सोच सी कि असं विदेश जाना पढ़ के, लगता है इन्हों बदलाव के नाल इस चीज़ों की हूँ सोच भी बदलेगी। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली सोच बदलन जा रही है और आने वाले टाइम तुम यह सोच बदलती देखोगे। आम एन इंग्लिश टीचर एंड वी हैव बीन फोकसिंग अपॉन ऑल द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, इंग्लिश लर्निंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो इन द नियर टाइम यू आर गोइंग टू से दैट मच ऑफ द डिफरेंस विल बी मेड बाय दीज स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ऑन दिस बेंचेस, बिकॉज it's not all about the infrastructure, it's not all about the premises, because we have been providing the best of the teaching methodology and best of the innovative techniques, because robotic technique ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਨੀਅਰ ਟਾਈਮਸ ਟੂ ਕਮ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਇੰਗ ਦੈਮ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸੋਚ ਸਭ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਚੀਵ ਅਵਰ ਡਰੀਮ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਡਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਆ? CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੇ, ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਜਵਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ